In the name of Allah, the All-Hearer, the All-Knower, the All-Giver, the All-Powers, the All-Present, the Abaser, the Abaser, the Abaser, the Cherisher, the Sustainer. This is Asad Ali Hashmi, and I would like to extend all my reverential, deferential, preferential, prudential, penitential, and circumstantial thanks to Allah Almighty, who has given me the power and passion to express my emotions in front of such scholastic people. As I just told you that I am Asad Ali Hashmi, and my connection with this institution is from back into 2010. मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसी लैंग्वेज में बात करूँ जो यहाँ पे मकबूल तरीन लैंग्वेज है उर्दू में. तो 2010 में मैं इस इंस्टीट्यूशन इन फ्लोरिसेंस अकेडमी का पार्ट हुआ बतौर स्पोकन इंग्लिश इंस्ट्रक्टर एट अ वेरी अर्ली स्टेज. उसके बाद ये जर्नी काफ़ी चलती रही और अब फिलहाल वो टाइम आया है कि मुझे महसूस हुआ कि आई हैव टू अपडेट माई सेल्फ. और अपने आप को अपडेट करने के लिए मैंने ई कॉमर्स के एक ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है खानीवाल में और अपने आप को उस में एनरोल करा लिया. मैं इससे पहले भी थोड़ा सा ई कॉमर्स से रिलेटेड रहा और द आइडिया वॉज जस्ट टू अपडेट अगैन, वरना पीछे रह जाता है बंदा. तो और डिफरेंट लोग जो आइडियाज़ प्रोजेक्ट कर रहे हैं ई कॉमर्स के बारे में और ट्रेनिंग दे रहे हैं उनके पास भी शर्फ हासिल हुआ थोड़ी सी मेहनत करने का. लेकिन जो तरीक़ेकार मुदस्सर साहब का मैंने इधर नोटिस किया, मुझे काफ़ी इजी महसूस हुआ कि दैट्स वेरी वर्केबल आइडिया. वो काफ़ी वर्केबल आइडिया है तो बहुत सारा टाइम उनके साथ गुजरता है, इज़ वेरी गुड. और उन्होंने प्रैक्टिकल करवाया, दैट वॉज बेसिकली माई नीड. मुझे थियोरी नहीं चाहिए, वी आर द पीपल वर्किंग प्रैक्टिकल लाइफ में हम अपना काम कर रहे हैं तो हमें वो चाहिए कि हमें प्रैक्टिकल वर्क मिले. पिछली जगहों पे जहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ करने का वहाँ प्रॉब्लम थोड़ा सा जो मेरे साथ आ रहा था मैंने स्किप किया कि हमें अकाउंट्स ही नहीं दिखाए जाते. तो अपडेट करने के लिए अपने आप को मैं यहाँ पर दोबारा आया. तो बात 2010 की वापस लेके जाऊंगा. 2010 में जिस वक्त दहा प्लाजा पे ये एकेडमी इनफ्लोरिसेंस के नाम से स्टार्ट हुई, आई वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एकेडमी स्पोकन इंग्लिश. और नासिर साहब वहाँ पे ऑफिस मैनेजमेंट करवा रहे थे. ये दो बेसिकली ओवरऑल हमारे थे कोर्सेज जो ऑफर हो रहे थे. और विद अ कंटिन्यूस स्ट्रगल ये इदारा फिर 2019 में गालबन 12 ब्लॉक में शिफ्ट हुआ. और लेकिन जो कोर्सेज थे वो पुराने ही चलते रहे. इसके बाद रिसेंटली फिर 2019 में कोरोना से कुछ पहले जिस वक्त ये डिजिटाइजेशन की और ई कॉमर्स की हवा काफ़ी सारी मार्केट में चल पड़ी तो दे अपडेटेड देमसेल्व्स. उसी वजह से आज हम एक तकरीब इतने मौजूद मेहमान हमारे पास मौजूद हैं, इसमें खड़े हुए हैं. और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि नासिर साहब ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया है कि जिसमें ना सिर्फ अपडेट कर रहे हैं, लिबरल हो रहे हैं और कमाने के काबिल हो रहे हैं. इसके अलावा ये भी है कि वो आपको इंटर्नशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स इदारे के बहुत अच्छे और भी अंडर पाइपलाइन हैं, वो बहुत फेवरेबल और फ्रूटफुल साबित होंगे स्टूडेंट्स के लिए. तो मैं एक बार फिर ई कॉमर्स की तरफ वापस आऊँगा कि बेसिकली जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अपने आप को अपडेट ज़रूर करते रहें हर हवाले से, वरना आप पीछे रह जाएंगे. अभी टाइम है आपका मार्केट में, ये स्पेशली जो यहाँ पे हमारे नौजवान बैठे हुए हैं उनके बारे में, कि अभी वक्त अपने आप को अपडेट कर लेने का है. अगर आप अपडेट नहीं करेंगे, अपने बिजनेस मॉडल्स को अपडेट नहीं करेंगे, न्यू जगह नहीं बनाएंगे, अपने काम को एक्सपेंड नहीं करेंगे तो फाइनली आप पीछे रह जाएंगे. लकीली या अनलकीली हम ऐसे कंट्री में अभी रह रहे हैं कि यहाँ पे वो ऑलरेडी 100 साल पीछे है बाकी की दुनिया से. अब तो शायद थोड़ा सा और पीछे आ गया तो, लेकिन अनलकीली और लकीली जो हमारे अवाम हैं यहाँ पर बैठे हुए नौजवान स्पेशली, उनके लिए लकीली ऐसे है कि आपके पास मार्केट बहुत सारी मौजूद है अपने काम को शिफ्ट कर देंगे फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड
इंटरनेट। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट ऐसे अवेलेबल हैं जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को बहुत टाइम से पिक किया एंड दे मेड देयर प्लेस इन द सोसाइटी एंड दे आर रनिंग वेल। अगर अब पाकिस्तानी बसों में कमाया जाए तो अब तो आपको पेट्रोल की टेंशन बड़ी रहती है कि बिजली का बिल भरें या पेट्रोल दें। तो ट्राई टू स्विच योर अर्निंग इन टू डॉलर्स एंड रुपीज बोथ। तो उसी मोटो को लेके मुदस्सिर साहब भी चले हैं। मुदस्सिर साहब मैं पिक करूँगा बहुत कॉम्पिटेंट पर्सनैलिटी है, मैं अपने दिन का बहुत बड़ा इनके साथ हिस्सा गुजारता हूँ क्लासेस से हट के भी, ताकि इनसे मजीद मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सीखा जा सके। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू एंड आई रिकमेंड यू कि जो लोग अपने अंदर चेंज पैदा करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू बिकम अ रियल सपोर्ट टू देयर फैमिली, वो ज़रूर इदारे को ज्वाइन करें, वो ज़रूर ई कॉमर्स या फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स की तरफ आएँ। इससे ना सिर्फ आपके मुस्तकबिल बेहतर हो जाएंगे, आपकी फैमिली को भी एक टाइमली सपोर्ट मिल जाएगी इतनी क्राइसिस वाले टाइम्स में पाकिस्तान में। थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग योर हीट। थैंक यू वेरी मच।